हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स के पेपर में कौन सी थियरी आ सकती है, मींस कौन सी थियरी मोस्ट आईएमपी है। सो फर्स्ट मैंने चैप्टर सिलेक्ट किया है चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर में से मिनिमम 7 मार्क्स का आ सकता है और मैक्सिमम 14 मार्क्स का भी आ सकता है। और वेरी इजी चैप्टर है, 5 क्वेश्चन में से ही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो फर्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस एंड मिक्सर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द एवोगैड्रोस लॉ। सो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, स्टेट द एवोगैड्रोस लॉ। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली डाल्टन लॉ एंड गिब्स डाल्टन लॉ अप्लाइड टू मिक्सचर ऑफ परफेक्ट गैस। ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट है डिराइव वंडरवाल्स इक्वेशन एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। ए क्वेश्चन भी 7 मार्क्स में आ सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd में से कोई भी एक क्वेश्चन कंपलसरी आपकी पेपर में आ सकता है, वो 7 मार्क्स है। आइदर दोनों भी आ सकते हैं। सो अराउंड चैप्टर 14 मार्क्स का हो जाता है। सो मिनिमम 7 मार्क्स एंड मैक्सिमम 14 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट एजम्पशंस आर मेड इन डिराइविंग द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ परफेक्ट गैस, क्वेश्चन भी 7 मार्क्स में आ सकता है। सो इस चैप्टर में से आप 3 क्वेश्चन कंपलसरी कर लो। फर्स्ट वन डाल्टन लॉ है एंड सेकंड वंडरवाल्स इक्वेशन एंड थर्ड एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ परफेक्ट गैस। ये 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ सकता है। सो ये चैप्टर का वेटेज है मिनिमम 7 मार्क्स, मैक्सिमम 14 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर मैंने सिलेक्ट किया है कंबशन ऑफ फ्यूल्स, चैप्टर नंबर 6। इसमें से जनरली एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वो है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए गिवन फ्यूल बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर विथ नेट स्केच। बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन जंकर्स गैस कैलोरीमीटर। सो चैप्टर नंबर 6 में से कौन सा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 6 में से बॉम्ब कैलोरीमीटर वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर मैंने सिलेक्ट किया है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है। सेकंड है स्टेट द क्लेशियस क्लैपेरियन इक्वेशन, ए इक्वेशन आपको 4 मार्क्स में आ सकता है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है यूजिंग मैक्सवेल रिलेशंस डिराइव द क्लेशियस क्लैपेरियन इक्वेशन, इक्वेशन आपको 7 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट इक्वेशन है व्हाट इज डेड स्टेट एंड व्हाई इट इज रिफर्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी। जनरली डेड स्टेट की डेफिनेशन भी आ सकती है, अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन आ सकती है। और नेक्स्ट है एक्सप्लेन हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एंड गिब्स फंक्शन। सो लास्ट क्वेश्चन भी अराउंड 7 मार्क्स में आ सकता है। सो इसमें से जो मोस्ट आईएमपी थियरी मुझे लग रही है वो है क्लैपेरियन इक्वेशन एंड हेल्महोल्ट्ज़ एंड गिब्स फंक्शन। सो ये 2 क्वेश्चन आप कंपलसरी कर लो। और आइदर इस डेफिनेशन में भी आ सकता है व्हाट इज डिग्रेडेशन, व्हाट इज अवेलेबिलिटी, व्हाट इज डेड स्टेट, इस तरह से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकता है। सो फर्स्ट आप चैप्टर नंबर 4, 6 एंड 7 कर लो। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको करना है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 अराउंड 14 मार्क्स की मिनिमम 14 मार्क्स का आता है और मैक्सिमम 21 मार्क्स का आता है। सो इसमें से जो मोस्ट 4 आईएमपी क्वेश्चन है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कंपेयर ऑटो डीजल एंड ड्यूअल साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट सप्लाइड। अगर यहाँ तक आपको एग्जाम में आता है तो अराउंड मार्क्स हो गए 4 मार्क्स। अगर आगे भी आता है कि इन कॉन्स्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट सप्लाइड, देन क्वेश्चन हो जाता है 7 मार्क्स का। सो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कंपेयर ऑटो डीजल एंड ड्यूअल साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट सप्लाइड एंड कॉन्स्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट सप्लाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी वो है रैंकिन साइकिल में से। सो ड्रॉ रैंकिन साइकिल ऑन PVTS एंड HS डायग्राम एंड डिराइव इक्वेशन फॉर इट्स थर्मल एफिशिएंसी विथ एंड विदाउट पंप वर्क। मीन्स आपको रैंकिन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी डिराइव करनी है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ TS डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वेरिएबल ऑन एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल।
एंड नेक्स्ट है स्टेट वेरियस मेथड्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल. एक क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है कि रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट टू क्वेश्चन करना है हाउ एक्चुअल ब्रीटन साइकिल डिफर्स फ्रॉम द थियोरिटिकल साइकिल. नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ब्रीटन साइकिल विथ सुटेबल डायग्राम्स एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम. सो चैप्टर नंबर 5 में से एक तो कंपैरिजन करनी है ऑटो डीजल एंड ड्यूअल साइकिल की, देन रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी प्रूफ करनी है, देन हम उसकी एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी मेथड बतानी है, एंड लास्ट में ब्रीटन साइकिल करनी है. और अगर कोई और एक क्वेश्चन आ सकता है तो वो है डीजल साइकिल. ऑलरेडी फर्स्ट ईयर ईएमई में आ गया है. सो ड्रॉ द डीजल साइकिल ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम, ऑल्सो डिराइव इक्वेशन फॉर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी विथ यूजुअल नोटेशन फॉर द साइकिल. 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? 3 मार्क्स में आ सकता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रैंकाइन साइकिल. नेक्स्ट है स्केच द आइडियल रैंकाइन साइकिल. नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स यूज इन इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग गैस साइकिल बेस्ड ऑन पावर प्लांट. नेक्स्ट है व्हाट आर द एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस. नेक्स्ट है व्हाई कार्नोट साइकिल इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर स्टीम पावर प्लांट्स. अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि व्हाई कार्नोट साइकिल इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर स्टीम पावर प्लांट्स. सो मोस्ट आईएमपी टॉपिक इसमें कौन कौन से हुए? ऑटो डीजल एंड ड्यूअल साइकिल की कंपैरिजन, रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी, हाउ रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी इंप्रूव, ब्रीटन साइकिल, एंड कार्नोट साइकिल इज व्हाई कार्नोट साइकिल इज नॉट प्रैक्टिकल. सो इतने क्वेश्चन कर लो. और अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो रैंकाइन साइकिल का एग्जाम्पल और डीजल एंड ब्रीटन साइकिल का एग्जाम्पल, ये 3 मेथड के एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिए. ये 3 में से कोई भी एक एग्जाम्पल जनरली आ सकता है. सो चैप्टर नंबर 5 का वेटेज है मिनिमम 14 मार्क्स एंड मैक्सिमम 21 मार्क्स. नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, उसमें से ज़्यादातर 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. सो 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सप्लेन पाथ फंक्शन एंड पोइट फंक्शन. नेक्स्ट है प्रूव दैट एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम. नेक्स्ट है जस्टिफाई दैट एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम. नेक्स्ट है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम. 7 नंबर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम विद सुटेबल एग्जाम्पल, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. नेक्स्ट है स्टेट द कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स. 9th नंबर एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी. नेक्स्ट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेसी स्टेटिक प्रोसेस विथ नेसेसरी फिगर. 11th नंबर स्टेट द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन. नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन द परपेटुअल मोशन मशीन्स ऑफ सेकंड काइंड. सो ये 12 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है, और आइदर 2 क्वेश्चन को कंबाइन कर 7 मार्क्स में भी आ सकता है. और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से जो 7 मार्क्स के आईएमपी क्वेश्चन है उसकी लिस्ट है एक्सप्लेन क्लेशियस थियोरम जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में आता है. नेक्स्ट है प्रूव दैट एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन ऑफ ए सिस्टम अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट. नेक्स्ट आपको करना है केल्विन प्लैंक एंड क्लेशियस स्टेटमेंट एंड इक्विवेलेंसी ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लेशियस स्टेटमेंट, और यू कैन से दैट शो दैट वायोलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लीड्स टू वायोलेशन ऑफ क्लेशियस स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स लिमिटेशन. सो ये सभी क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ सकता है. और एक जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट ऑल रिवर्सिबल engines ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स हैव आर इक्वली एफिशियंट्स. तो एक क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है, अराउंड 7 मार्क्स में आ सकता है. सो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से अराउंड 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आता है, मीन्स 3 to 4 क्वेश्चन 3 or 4 मार्क्स में आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ सकता है, एक या 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ सकते हैं. सो ये सभी क्वेश्चन आप कर लो. सो
ये सभी क्वेश्चन एक बार आप देख लेना कि व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक रूल, व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कंपेरिजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी, क्वेसिस्टेटिक प्रोसेस विथ नेसेसरी फिगर, एंड स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, परपेटुअल मोशन ऑफ सेकंड काइंड, एंड सेवन मार्क्स में एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, केल्विन प्लैंक एंड क्लेशियस स्टेटमेंट एंड क्लेशियस थियोरी, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन, एंड लास्ट वन जो मोस्ट एम्पी क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट ऑल रिवर्सिबल इंजिन्स ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स हैव आर इक्वली एफिशिएंट्स. सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक यू.